नमस्कार, मैं पूजा यादव लेकर हाजिर हूं आपके लिए चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब और देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरें। चलिए नजर डालते हैं ताजा हेडलाइंस पर। तेल के बढ़ते दामों को लेकर देश के कई हिस्सों में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ाई धज्जियां। लॉकडाउन में पत्रकारों की नौकरी, संकट के चलते चंडीगढ़ के पत्रकारों ने निकाली एक रैली। पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह बोले, कोरोना महामारी से निपटने को हम तैयार, 2014 बेड की व्यवस्था है। डीटीसी कुरुक्षेत्र की टीम की बड़ी कार्रवाई, ब्रांडेड शराब की नकली फैक्ट्री में मारा छापा, बड़े पैमाने पर पकड़ा नकली शराब बनाने का केमिकल। कोरोना के इलाज के लिए हरियाणा में शुरू होगी प्लाज्मा थेरेपी, ICMR ने दी अप्रूवल, राज्य स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दी इसकी जानकारी। कामगारों के लिए 50,000 घर बनाएगी हरियाणा सरकार, फ्री होल्ड या लीज होल्ड पर मिलेगा आशियाना। पूरे हिमाचल में कोरोना से अछूते एकमात्र जिला लाहौल स्पीति में भी मिला कोरोना पॉजिटिव। अब खबरें विस्तार से। सोमवार को देश भर में कांग्रेस ने पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें चंडीगढ़, हरियाणा के कुरुक्षेत्र से जो तस्वीरें आई हैं उनमें नारेबाजी तो हो रही है, किंतु कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। चंडीगढ़ में प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप छाबड़ा व पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन बंसल शामिल रहे और हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कांग्रेस के अशोक अरोड़ा और पूर्व विधायक अनिल धनतोड़ी मौजूद रहे। बेतहाशा बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल के भाव में वृद्धि और भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और धरना दिया गया, जिसमें भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। मोदी सरकार को ये चेताया कि मोदी जी अगर जनता आपको चुन सकती है तो कभी भी आपको उतार भी सकती है। और आज सरकार की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने निर्णय लिया कि आज की मौजूदा सरकार बेलगाम हो चुकी है। चाहिए तो ये था कि कोरोना महामारी के चलते लोगों को राहत करते, बिजली के बिल माफ करते, डीजल और पेट्रोल पे लगे वैट को खत्म करते। चंडीगढ़ सेक्टर 17 में बड़ा हादसा होते होते टला, एक बेकाबू कार शोरूम के अंदर घुसने से बची, गाड़ी पूरी तरह हुई क्षतिग्रस्त, पिलर ने बचाई कई लोगों की जान। जिस समय हादसा हुआ दुकान के अंदर काफी ग्राहक मौजूद थे। सेक्टर 17 प्लाजा की है घटना। घटना में खुशकिस्मती यह रही कि किसी को कोई जानी नुकसान नहीं पहुंचा। देश में कोरोना की मार हर व्यक्ति झेल रहा है, वहीं पर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया हाउस भी अछूता नहीं रहा। मीडिया हाउस में भी कोरोना की इस मार ने काफी कर्मचारियों की छंटनी कर दी। इसी को लेकर ट्राइसिटी के पत्रकारों ने सेव मीडिया जॉब्स नाम की एक रैली का आयोजन किया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रदेश में बढ़ती कोरोना मरीजों की संख्या को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन काफी संख्या में मरीज ठीक हुए हैं। प्रदेश में हर स्तर पर महामारी से निपटने का प्रयास जारी है। हरियाणा में शहरों में काम करने के लिए आसपास के इलाकों से आने वाले सभी लोगों को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार ने एक नई योजना तैयार करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत नगर निकायों की सीमा की परिधि में लगभग 50,000 घर बनाए जाएंगे। इस योजना के अनुसार ऐसे सभी लोग जो अपने कार्यस्थलों के लिए दूरदराज स्थानों से प्रतिदिन यात्रा करते हैं, उन सभी लोगों को ये घर आवंटित किए जाएंगे। हिमाचल में कोरोना से अछूते रहे लाहौल स्पीति में सोमवार को BRO का मजदूर संक्रमित मिला। यह मजदूर 22 जून को दिल्ली से लौटा था। तबीयत खराब होने पर इसे केलोंग अस्पताल पहुंचाया गया। अब तक के लिए इतना ही, फिर लौटूंगी आपके लिए देश प्रदेश की कुछ बड़ी ताजा खबरें लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए अर्थ प्रकाश टीवी। ताजा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।